Hello friends, myself Rahul Verma, IAS Officer 2016 batch. Welcome to Target IAS. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं UPSC ने अपना एनुअल कैलेंडर रिलीज कर दिया है फॉर 2021 के लिए. इन्हीं सबसे एग्जामिनेशन की वो डेट फाइनलाइज हो चुकी है और ये डेट्स UPSC ने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही फाइनलाइज की हैं और इसमें वेरिएशन होने की बहुत कम चांसेस हैं. तो अभी डेट्स पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल टारगेट IAS पे आप लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं. सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है टारगेट IAS पे. सिविल साजिद सर पढ़ा रहे हैं, उन्हें काफ़ी अनुभव है, 4-5 साल पढ़ा चुके हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं. आप उनके एक या दो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है, पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं वो. अगर आपको लगता है पूरा सिलेबस पढ़ना है उनसे, वो आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, तब आपको पढ़नी है उनसे, अदरवाइज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्लियर. इसी तरीके से आप लोग मैकेनिकल में देखेंगे अगर आप लोग, तो चंदन सर पढ़ा रहे हैं आपको, भाई अकान सर पढ़ा रहे हैं आपको, काफ़ी एक्सपीरियंस उन्हें पढ़ाने का और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं. और आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं, मैंने देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों के जो भी डाउट्स आ रहे हैं, वो प्रॉपरली विद इन 5 to 10 मिनट वो आपके डाउट क्लियरेंस दे रहे हैं बच्चों के, और प्रॉपर डिस्कशन भी चल रहा है बच्चों के साथ. सिविल, मैकेनिकल सेम है आपके, इलेक्ट्रिकल में टीक चंद सर पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी अच्छी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे. तो आप लोग इनसे आके एक एक सब्जेक्ट एटलीस्ट पढ़ सकते हैं इनसे, अगर आपको लगता है कि पढ़ा रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, तब जाके आपको फुल पैकेज परचेज करके पूरे सही तरीके से एक साल बहुत अच्छे तरीके से गेट और ईएस के लिए पढ़ सकते हैं. टारगेट IAS का भी सिर्फ एक ही मोटो है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा सिलेक्शन हो, इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और पढ़ें बहुत अच्छे तरीके से. आपका सिलेक्शन होगा तभी ये चैनल ग्रो करेगी. क्लियर. चलिए देखते हैं. तो आप लोग टारगेट IAS को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके मिलते रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. चलिए देखते हैं, इस वीडियो में कुछ सजेशन भी दूंगा आपको कि आपको किस तरीके से इंडियन सबसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है. जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं सभी एग्जाम को डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर क्योंकि हम लोग सिर्फ ESC की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ESC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. इंडियन सबसे एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का आपका एग्जाम जो आपका जनरली आप लोग देखते थे 1st वीक ऑफ जनवरी में होता था, इस बार थोड़ा डिले हो गया है. वो थोड़ा नहीं बोलेंगे आपको, ये आपका 6 मंथ डिले हो गया है. 6 मंथ डिले हो गया आपका. अब ये एग्जाम होगा आपका 18th ऑफ जुलाई 2021 में. पहले आपका ये जनवरी में हो जाता था, इसका नोटिफिकेशन आएगा 7th ऑफ अप्रैल 2021 में, और लास्ट डेट रहेगी इसकी फॉर्म फिल करने नहीं है 27th ऑफ अप्रैल 2021. तो आप अप्रैल में जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. क्लियर. तो अभी तो आप गेट की प्रिपरेशन करिए बहुत अच्छी तरीके से, इसके बाद आप लोग ESC की प्रिपरेशन कर सकते हैं. अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से गेट और ईएस की आपको साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी है. 13 पॉइंट के बाद अगर आप लोग ऑब्जर्व करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 20 को देखें यहाँ पे, तो इंडियन सबसे एग्जामिनेशन जो मेंस का एग्जाम है वो अक्टूबर में होगा. तो प्री के बाद मेंस में आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा यहाँ पर. क्लियर. अप्रॉक्सीमेट अगर आप लोग देखें आपके पास 2 से लेकर 2.5 महीने बचेंगे आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आपके पास जुलाई के बाद अगस्त, सेप्टेम्बर और इसके बाद अक्टूबर आ गया. क्लियर. तो आपके पास 2 या 2.5 महीने होंगे आपको मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए. तो आप ये नहीं कर सकते कि पहले आप लोग प्री के लिए पढ़ लिया बहुत तरीके से, इसके बाद आप मेंस के लिए पढ़ना है. आपको करना क्या पड़ेगा, आप अभी से गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए. गेट के साथ जो भी आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन है इंडियन सबसे एग्जामिनेशन के, उन पर थोड़ा फोकस करिए आप लोग. ठीक है. कन्वेंशनल क्वेश्चन है ESC के, उन पर फोकस करिए और वो सारे सॉल्व करिए. इससे होगा क्या कि आपकी कन्वेंशनली प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप लोग लेंथी प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. ये कंसेप्ट आपके बेनिफिशियल होंगे किसके लिए, गेट एग्जाम के लिए भी. तो एटलीस्ट वो टॉपिक तो आप पढ़िए पढ़िए अच्छे तरीके से और उनके जरूर कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाइए. मैंने भी जब गेट की प्रिपरेशन की थी तब मैंने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व किए थे पूरे के पूरे इंडियन सबसे एग्जामिनेशन के. क्लियर. तो कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं और एक लेंथी प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है तो आपको एक फेयर नहीं रहता दिमाग में उस टाइम पर, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो ये सबसे लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आपको गेट के साथ अभी ESC प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के बाद आपके पास मेंस के एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचेगा आपके पास. क्लियर. और इस टाइम पर अगर आपको थोड़ा डाउट हुआ और रिजल्ट भी लेट आया तो मेंस के लिए आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा, तो आपको मेंस की अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. अगर अभी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस की प्रिपरेशन, तो आपके गेट के ये भी बेनिफिशियल होगी. वो जनरल स्टडी की बात करेंगे, आपकी जनरल स्टडी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर. अगर आप लोग चाहें तो पर डे 1 घंटे शाम को पढ़ सकते हैं 1 घंटे, या फिर अल्टरनेटिव डे पे आप लोग हफ्ते में 2 या 3 बार जनरल स्टडी का एक सब्जेक्ट उठा के पढ़ सकते हो, तो अभी से उसके साथ फैमिलियर रहेंगे आपका.
ठीक है, एट लास्ट उठाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आप लोग जनरल स्टडी आप लोग 2 से 3 महीने अगर आप लोग 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं लास्ट में पर डे 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हैं तभी आपकी जनरल स्टडी कवर हो जाएगी। तो मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग जनरल स्टडी पढ़ें। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, बहुत सी तरीके तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास अभी टाइम है, सफिशियंट टाइम है आपके पास, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर तक जनरल स्टडी को सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और ये नहीं पर डे पढ़ना है आपको, 1 या 2 दिन बाद छोड़ के या अल्टरनेट डे पे आप लोग जनरल स्टडी 1 या 2 घंटे के लिए पढ़ सकते हैं। तो एटलीस्ट 2-3 सब्जेक्ट आप लोग कवर कर सकते हैं अभी आपके पास जब टाइम है, ठीक है। तो फ्री टाइम में आप लोग जनरल स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा आपको गेट के बाद बहुत अच्छे तरीके से आपको जनरल स्टडी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे इसमें, क्लियर। तो ये तो थी आपके एग्जाम डेट्स के बारे में जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया यहाँ पर। इसके बाद मैं आपसे फिर से दोबारा कहूँगा कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसको एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में लीजिए। आप लोग इस तरीके से देखिए कि अभी आपके पास ये लास्ट चांस है, ठीक है, इसको बिल्कुल लास्ट चांस की तरह पढ़िए, बिल्कुल लास्ट चांस की तरह कि इस बार हमारा सिलेक्शन हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ, नहीं हुआ तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ये वो। तो अपने कंफर्ट जोन से सबसे पहले बाहर निकलिए आप लोग और पढ़िए एटलीस्ट, और इस तरीके से पढ़िए कि आपका ये लास्ट चांस है, इसके बाद आपको एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तभी आप लोग पूरा अपना एफर्ट दे सकते हैं, क्लियर। मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एक चीज कि अगर आप लोग अपने कंफर्ट जोन में पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों को 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हैं अभी या 4 घंटे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में, जब आपको लग रहा है पढ़ रहे हैं, जब आपको नहीं लग रहा है तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आइए, आपको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ अपनी लाइफ में जिन लोगों ने कुछ भी अचीव किया अपनी लाइफ में, उन्हें एटलीस्ट एक ना एक टाइम फेज ऐसा आया उनका, ऐसा टाइम आया उनकी लाइफ में कि उन्होंने उस टाइम पे बहुत मेहनत की हो, तो वो अपना टाइम अभी लेके आइए आप लोग और अभी इसी टाइम स्लॉट में पढ़िए, जो भी आपके पास टाइम है अभी इस टाइम में पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी बाद में, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो पढ़िए, स्टार्ट करिए पढ़ना, और अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको टारगेटाइज फैमिली से ऐड हो सकते हैं आप, इसका कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं राहुल वर्मा IS2016@gmail.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।